क्या इंडिया को शिखर धवन और गौतम गंभीर वापस मिलने वाले हैं? आज जिस तरह की इनिंग यशस्वी जायसवाल ने खेली है, मुझे तो लगता है कि जो उनकी कमी महसूस हो रही थी ओपनिंग में, एक सेटल्ड ओपनिंग बैट्समैन, वो इंडिया को वापस मिलने वाला है। और जिस तरीके से उन्होंने सिंगल हैंडेडली आज इंडिया को बचाया है, ये तरीका होता है, ये होती है यंगस्टर की अप्रोच, ये होता है कि यार मैं करूंगा, मैं अपनी टीम के लिए स्टेप अप करूंगा। अगर हमारे जो है वो जो जो दिग्गज प्लेयर है, जो कि हमारे जो सीनियर प्लेयर है, वो नहीं परफॉर्म कर रहे, तो मैं हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं फ्यूचर इंडिया का। कमाल किस्म की इनिंग खेली है जायसवाल ने और दिखा दिया है कि वो अकेले ही काफी हो। कहते ना मैं कल्ला ही काफी हूं, पाकिस्तान में एक मुहावरा है कि मैं कल्ला ही काफी हूं, तो यशस्वी जायसवाल ने भी बता दिया कि मैं कल्ला ही काफी हूं, मैं कर दूंगा यहां पर अकेला, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड को सिंगल हैंडेडली आज पहले दिन जो है डोमिनेट किया है। बाकी जो प्लेयर्स है वो आए चलाए साथ-साथ लग रहे, वो स्टार्ट्स लेते रहे लेकिन वो लगातार फेल होते रहे, और 30-40-50 यानी 50 किसी ने बनाया, ओवरऑल 30-40 के करीब सब पहुंचे, लेकिन ओवरऑल एक ही बंदा स्टेप अप करता नजर आया जो कि वो जायसवाल था। और उसने बिल्कुल पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक समझ लो कि वहां पर क्रीज में मौजूद थे, और हो सकता है कल भी उनकी डबल सेंचुरी करीब पहुंच जाए। 336 की लीड जो है वो इंडिया ने ले ली है, बल्कि लीड क्या है, उन्होंने स्कोर इतना बना लिया, और ये अगर 450 के करीब अगर स्कोर पहुंच गया तो ये टेस्ट मैच इंडिया अपने ग्रिप में कर लेगा। और इवेंट डाउन होने के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एक अच्छा स्टार्ट इंडिया को मिलता, और जो कि हमारे सीनियर्स प्लेयर तो नहीं दिला सके, जो जिनको आप रेट करते हैं, जिसमें रोहित शर्मा हो गए, जिसमें आप शुभमन गिल हो गए, जिसमें आप सुनील शैयर को बहुत ज्यादा रेट करते हैं, लेकिन जो वो तीनों तो 20-30-40 करके आउट हो गए, लेकिन ओवरऑल जिसने स्टेप अप किया, जिसने बचाया, जिसने नैया पार लगाई आज इंडिया की, वो जायसवाल ही था। और जायसवाल ने दिखाया है कि तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त खेल रहे हैं, वो इंडिया में भी परफॉर्म करते हैं, इंडिया के बाहर जाकर भी परफॉर्म करते हैं, वो शुभमन गिल की तरह नहीं है कि सिर्फ इंडिया में और अहमदाबाद में परफॉर्म करते हैं और बाहर जाए तो उनका बल्ला ना चले, तो वो एक नेचुरल टैलेंट है और वो परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं और अग्रेशन से भरपूर है, जो कि बुरी बॉल आती है उसको छोड़ते नहीं है और उसको कहते हैं उसके अंजाम तक वो जाते हैं, और जो बाउंड्री बॉल है उसको मिस नहीं करते, और अच्छी पेस में किया टेस्ट क्रिकेट जिस तरीके से आजकल खेली जा रही है, एक फास्ट पेस में उसी तरीके से इनिंग खेली, और मजा आया देख के। और ये भी देख के मजा आया कि एक जिस तरह का खला एक पैदा हो रहा था कि इंडियन जो ओपनिंग है वो सेटल नहीं लग रही थी, अब रोहित शर्मा के जाने के बाद तो मजीद एक स्लॉट खाली होनी है, और वो भी कुछ ही कह रहे हो कि महीनों के मेहमान है रोहित शर्मा, जब उनका दिल करेगा उन्होंने रिटायर हो जाना है, और उनको अब जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको अब किसी यंगस्टर को मौका देना चाहिए ताकि इंडिया भी मूव ऑन करे, इंडिया भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये जितने भी इनके चले हुए काफी कारतूस किस्म के बन गए हुए हैं, बड़ा अच्छे उनके लेजेंड हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ, लेकिन अब एक वक्त होता है ना हर एक खिलाड़ी का, तो रोहित शर्मा का भी नजर आ रहा है कि अब उनका अंदर वो इंटेंसिटी नहीं है खेलने की, या तो वो अब उनको मूव करना चाहिए, वो तो उनको शौक भी पड़ा था पाकिस्तान की कोचिंग करने का, तो कोचिंग की तरफ आ जाए, पाकिस्तान की ना करें, इंडिया की कोचिंग की तरफ चले जाए, किसी आईपीएल की टीम की तरफ परफॉर्मेंस कोचिंग की तरफ चले, उनका बड़ा अच्छा फ्यूचर है। लेकिन जिस तरीके की आजकल क्रिकेट खेली जा रही है दुनिया में, उसको थोड़ा सा मैच करने में नाकाम रह रहे हैं रोहित शर्मा। विराट कोहली जब वापस आएंगे देखा जाएगा तीन टेस्ट में वो कैसे खेलते हैं, लेकिन रोहित शर्मा जो 14 करके आज फिर भी आउट हो गए, वो उन पे भी सवाल निशान है कि वो जब कोई एक मैच भी नहीं परफॉर्मेंस या डोमिनेट परफॉर्मेंस वो नहीं कर पा रहे, उनको उनका बल्ला नहीं चल रहा, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है इंडिया टीम के लिए। और दूसरी तरफ अगर शुभमन गिल की बात करें तो वो क्या 30-40 के प्लेयर बन के रह गए, 30-40 करेंगे हर इनिंग्स में और इस तरह के आउट हो जाएंगे, और जब प्रेशर पड़ेगा तब तो 30-40 भी नहीं होंगे, तब तो आप पहले ना दूसरी बॉल पे क्या ही देंगे ना आउट हो जाएंगे, जिस तरह पिछले इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में किया था, तो शुभमन गिल को भी देखना पड़ेगा। इसलिए इसी तरह जिस तरह ओवर रेटेड प्लेयर है आपके सुनील शैयर हैं, उनको भी आपने काफी मौके दिए हैं और उनको लगातार मौके मिल रहे हैं, मुझे लगता था कि आज उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा इस टेस्ट मैच से, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, जिस तरीके से उन्होंने एक केयरलेस किस्म की शॉट खेल के अपना टीम इंडिया को मैच हरवा दिया था, अगर वहां पे थोड़ा सा स्टैंड लेते फर्स्ट टेस्ट मैच में खड़े रहते तो शायद ये मैच वो इंग्लैंड को इंडिया को जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की क्रिकेट खेली, को कहते मैं इस तरह का मेरा हैदर है ही अग्रेशन से भरपूर, मैं प्लेयर हूं, तो उनको अगर अग्रेशन से भरपूर है तो उनको T20 खिलाए ना आप, उसको टेस्ट में आपने लगातार खिलाते रहे, वो भी 30-40 के प्लेयर बन के रहेंगे, तो इस तरह का प्लेयर चाहिए जो कि लंबी इनिंग्स खेले। कल 200 के करीब होंगे जायसवाल, और 200 मुझे करते हुए नजर भी आ रहे हैं, जिसमें उनकी फॉर्म लगी है, अगर 200 करते हैं तो बड़ा जबरदस्त एक परफॉर्म होगा, और देखिए ऑलमोस्ट आधा स्कोर तो एक ही खिलाड़ी ने कर दिया आज, 180 के करीब स्कोर एक खिलाड़ी ने कर दिया आपका, ऑलमोस्ट 336 का स्कोर है, तो ये चीजें मैटर करती है कि आप स्टेप इन करते हैं, आप हमें भी देखना चाहिए कि हमारे जो यंगस्टर हैं, हम अगर पाकिस्तान की बात करें अब्दुल्ला शफीक हो गए या साहिब अयूब हो गए जिनको बड़ा रेट किया जाता है, उनकी कहाँ परफॉर्मेंस है,
वो भी सिर्फ बाबर को देखते रहते हैं कि बाबर करेगा तो हम कुछ करेंगे, खुद को स्टेप अप करते नहीं है, खुद अपने आप को सुपरस्टार बनाने की कोशिश नहीं करते। अगर इस तरह चलेगा तो कब तक चलेगा? देखिए बाबर आजम को भी, पाकिस्तान को भी अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन दूसरे हमारे जो जंगस्टर जिनको समी कह रहा हूँ, ये साहिब अयूब है, साहिब अयूब जिनको हम रेट करते थे कि यार ये हमें कमाल का टैलेंट मिल गया, उनको भी मौका दिया गया, बेशक एक टेस्ट मैच का मौका दिया गया, लेकिन यह कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनको इंटरनेशनल जो क्रिकेट में जब भी डाला गया है, उनको अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मौका दिया गया था, उनको क्रिकेट में मौका दिया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि बड़ी बेकार किस्म की परफॉर्मेंस है। तो उनको भी चाहिए, सीखना चाहिए यंगस्टर, इंडिया के यंगस्टर से जो कि जिस जैसा ये जो यशस्वी जायसवाल है, इनसे सीखना चाहिए कि कमाल किस्म की बैटिंग जो करते हैं, इस तरह का जो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप यंगस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार अब मैं करके दिखाऊंगा, अगर मुझे टीम में डाला तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा अपनी टीम के लिए, जो कि इंडिया ने आज करके दिखाया। और उनकी वजह से आज इंडिया की परफॉर्मेंस जो है, इंडिया की जो पोजीशन है, बड़ी जबरदस्त किस्म की होगी। अगर यहां पर खींच के 450 के करीब स्कोर लेंगे कल, तो ये तो ऑलमोस्ट मैच बचा जाएंगे, क्योंकि 450 रन अगर इंडिया ने लगा दिए, फिर इंडिया ने इंग्लैंड ने 450 करने के, बेशक बैटिंग विकेट है लेकिन पहले तो 450 उतारना, उसके बाद फिर 100-125 की लीड लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि 600 स्कोर तो नहीं करेगा ना इंग्लैंड, तो या तो फिर मैच ये ड्रॉ की तरफ जाएगा अगर इंग्लैंड बहुत अच्छी बैटिंग कर जाता है, तो या फिर इंडिया जो है वो इस मैच में फेवरेट है, इंडिया ही मैच जीतेगा। तो ये चीजें अपनी पहले ही दिन जो है अपनी बैटिंग से सिंगल हैंडेडली इंडिया को उन्होंने एक ऐसी पोजीशन में पहुंचा दी, कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचा दी है, तो यहां से मैच हारती हुई इंडिया नजर नहीं आ रही, या तो ड्रॉ की तरफ आएगा या फिर ये मैच जाएगा इंडिया की तरफ। लेकिन आप कहेंगे ये बात टू अर्ली टू से, वाकई टू अर्ली टू से, क्योंकि पहले दो दिन तो इंडिया पहले टेस्ट मैच भी बहुत अच्छा खेला था, लेकिन एकदम से वो कहते हैं हालात बदले, जज्बात बदले, फिर ओले पॉप आए और उन्होंने कमाल किस्म की बैटिंग की और लीड चढ़ा दी इंडिया पे। लेकिन वो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, वहां पे इंडिया 250 पे आउट हो गया था, यहाँ पर जो सॉरी जो उसमें सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, तो यहाँ पर जो है सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, इसमें इंग्लैंड इंडिया ने अच्छा स्कोर लगा दिया। तो ये मैच के रिजल्ट मुझे दो ही नजर आ रहे हैं, या तो इंडिया जीतेगा या ये मैच ड्रॉ के तो जाएगा अगर इंग्लैंड बहुत अच्छी बैटिंग करता है। तो पहले दिन ही जायसवाल की कमाल किस्म की इनिंग की वजह से इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, इंडिया टॉप पर चला गया इस टेस्ट मैच में, और इसका अब कल देखते हैं कि डबल सेंचुरी होती है और कितना साथ देते हैं इसको, लीड को कितनी देर तक लेके कितना बढ़ाते हैं, 450-450 के करीब अगर ले गए यहाँ पर तो बैच मजे का होगा। और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड ने आधे साथ 2-3 आउट कर लिए, जो कि उन्होंने 6 आउट कर लिए हुए हैं और 4 आउट करने हैं, तो तकरीबन आप कह लें कि अगर 375 से पहले पहले 50 स्कोर 40 स्कोर के अंदर अंदर मजीद आउट कर लिए, तो फिर मैच ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर 400+ 400 रन हो जाते हैं, तो फिर तो वन साइडेड इंडिया का टेस्ट मैच हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी बजा दें, नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।